हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड हम बनाएंगे बिना कस्टर्ड पाउडर का, और इसे हम घर के ही सामानों में बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड को। और ये बेहद आसान होगा बनाना, और बिल्कुल आपको लगेगा कि बाजार से हम खरीद के खा रहे हैं कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा फ्रूट कस्टर्ड का रेसिपी पसंद आए तो इसके नीचे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हम एक पैन ले लिए हैं और पैन में हम 500 ग्राम दूध डाल रहे हैं। ये फुल फैट दूध है, आप चाहें तो नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। दूध डालने के बाद में हमें इसे अच्छा से बॉईल कर लेना है और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए, अमूल का हम सूखा वाला दूध लिए हैं, जो कि बच्चे को पिलाया जाता है वही वाला दूध है। आप कोई सा भी सूखा वाला दूध यूज कर सकते हैं। 3 स्पून हम दूध लिए हैं और 1 छोटा चम्मच खाने वाला अरारोट और 1 चम्मच हम चीनी पाउडर ले ले रहे हैं। और पानी में इसे हम घोल लेंगे। 3 चम्मच हमारा दूध था, 1 चम्मच हमारा अरारोट और 1 चम्मच हमारा शुगर पाउडर, इन सबको हम घोल लिए हैं। और यहीं पे हम थोड़ा सा केसर भिगा के रखे हैं, इसका भी हम घोल बना ले रहे हैं रेडी। इधर हमारा दूध बॉयल हो रहा है, उसी में हम ले जाके और इन सब जो दूध का हम पाउडर बनाए हैं और अरारोट का और चीनी का हम मिलाएंगे। तो देखिए, हम दूध में अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो दूध है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाजार का फ्रूट कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये घर के सामानों से ही बन जाता है दोस्तों, तो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो देखिए, हम अच्छा से 1 से 2 बॉयल लेंगे और हमारा जो फ्रूट कस्टर्ड होगा वो रेडी हो जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा उबाल ली हूँ और थोड़ा सा देर के लिए हम इसे उबालते हैं। तो चलाते हुए आप इसे उबालें और देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये गाढ़ा होने लगा। और 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे तो आपका जो फ्रूट कस्टर्ड का कस्टर्ड है बहुत ही बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा गाढ़ा हो चुका है। तो अगर आपको जितना गाढ़ा रखना हो उतना देर तक आप इसे बॉयल ले सकते हैं। तो इतना गाढ़ा रखेंगे तो ये ज्यादा गाढ़ा हो जाता है अपने आप। तो देखिए, जो भी आपको फ्रूट लेना हो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चेरी ली हूँ, पीला वाला, एक केला ली हूँ और अंगूर ली हूँ। तो अपने चॉइस के अनुसार आप फ्रूट यूज कर सकते हैं। तो मैं ये पीला वाला चेरी को काट लेती हूँ और अंगूर को भी काट लूंगी। जो भी आपके घर में फल हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैं जो भी था वो डाल रही हूँ और बहुत ही अच्छा कलरफुल दिखेगा हमारा फ्रूट कस्टर्ड। तो देखिएगा, मैं अंगूर को भी काट लेती हूँ। तो जैसा आपको फ्रूट का डिजाइन में कटिंग करना है उस तरीके से आप काट सकते हैं, सिंपल भी काट सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से अपने गेस्ट को फ्रूट कस्टर्ड बना के और फ्रिज में रख दें 1 घंटा के लिए या 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखें। ये बिल्कुल चिल्ड हो जाता है और गर्मी में खाने में बहुत ही मजा आता है। तो आप देख ही सकते हैं, मैं सारा फ्रूट को काट के रेडी कर रही हूँ। तो फ्रूट कस्टर्ड में आप मुलायम फ्रूट का ही यूज करें, ज्यादा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए, मैं कट कर ली जितना हमें चाहिए और इसी तरह से हम थोड़ा सा और काट लेते हैं और थोड़ा सा हम केला काट लेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पे फ्रूट रेडी हो गया है। ये चेरी हो गया, ये अंगूर हो गया, एक केला को हम काट लेते हैं। तो आप चाहें तो किसी भी डिजाइन में केला को भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काटती हूँ, देखिए इस तरीके से काटूंगी और उसके बाद छिलका को हटा दूंगी। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न आएगा इस तरह से काटने पे और अच्छा भी लगेगा देखने में। तो देखिए, यहाँ पे हमारा केला भी कट कट के रेडी हो गया। तो इसी तरह से सारा फल को काट लें आप और बहुत ही मजेदार आपका फ्रूट कस्टर्ड घर पे बनके तैयार होगा। तो आप हमारा बनाया गया और भी रेसिपी देख सकते हैं दिए गए लिंक पे या हमारे वीडियो में भी चेक कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कस्टर्ड था कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है ठंडा होने के बाद में। और अब हम इसे बाउल में डाल ले रहे हैं और इसी में डालेंगे हम फ्रूट जो हम कटिंग किए हैं। और सारा फ्रूट को डाल के और मैं इसमें मिक्स करूंगी। तो मैं थोड़ा सा गाजर डाली हूँ, 1 गाजर को डाल ली हूँ
ये थोड़ा सा कलरी दिखे, क्योंकि कलरली फूड ही अच्छा लगता है फ्रूट इसमें। तो देखिए हम डाल के इसे मिक्स कर लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन गाढ़ा हुआ है। तो ऊपर से आप कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी जो भी आपको पसंद हो। तो मैं थोड़ा सा काजू डाल ली हूँ और ये इतना गाढ़ा इतना लजीज हुआ है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती। आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ा सा जो फ्रूट है उसमें से पानी छोड़ेगा तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ऊपर से हम टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं और उसके बाद हम इसे चिल्ड करके उसके अपने फैमिली को सर्व करेंगे उसके बाद। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना है फ्रूट कस्टर्ड दोस्तों। तो इस तरह से आप बनाएं और खाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड घर के ही सामानों से बनाने का कैसा तरीका लगा। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय दोस्तों।